నమస్కారం బీడిఎస్ న్యూస్ తెలుగుకి సుస్వాగతం राइट हैंड लगा सर थैंक यू कंग्रेचुलेशन फायदा उठा सकते हैं और हर चीज की मुकम्मल यहाँ पे मैं देखा हूँ कोई चीज की कमी नहीं है और आप एक बार अंदर आते हैं तो पूरा शादी करके यहाँ तक के सांचा और क्या है वो जुमाजी भी करके आप निकल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत बहुत दिल से मैं मुबारक डाल देता हूँ इंशाल्लाह मैं इतनी छोटी तकलीफ के बाद मैं अपना जगह लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम और मेयर साहब दीगर साहब भी मैं उन सबका तहे दिल से प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ और आप लोग जो सामने बैठे सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ मैं पहली बार वारंगल आया हूँ हैदराबाद से पहली बार वारंगल आया हूँ पता नहीं यहाँ पे ये जो माहौल देखने के बाद इतना ज़बरदस्त लगा मुझे कि तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गिरा हूँ बट मगर यहाँ का माहौल एक हैदराबाद के बाद दूसरा माहौल मुझे यहाँ दिखा है माशाल्लाह एक तहजीब है बाकी हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी हमारी बनी हुई है गंगा तहजीब जो बनी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इस हालात में ये कन्वेंशन हॉल यहाँ पे जो खुला है शायद मैं हैदराबाद के अंदर भी ऐसे कन्वेंशन बहुत कम बने हुए हैं और माशाल्लाह मैं गुआ बात देता हूँ अब्दुल हकीम साहब और अब्दुल रहीम साहब का मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग सभी का आज की इस पुरनूर रौनक अफरोज महफिल में हमारी मोहब्बत में हैदराबाद से एंटी करप्शन ब्यूरो के और जो है ह्यूमन राइट्स के बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे ख्वाजा नवाज खान साहब महबूब भाई के नाम से मशहूर हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर एक दो लम्हात मुखातिब हों मैं उन सब का तहे दिल से प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ और आप लोग जो सामने बैठे सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ मैं पहली बार वारंगल आया हूँ हैदराबाद से पहली बार वारंगल आया हूँ पता नहीं यहाँ पे ये जो माहौल देखने के बाद इतना ज़बरदस्त लगा मुझे कि तकरीबन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गिरा हूँ बट मगर यहाँ का माहौल एक हैदराबाद के बाद दूसरा माहौल मुझे यहाँ माशाल्लाह ये जो तहजीब है बाकी हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी हमारी बनी हुई है गंगा तहसील जो बनी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इस हालात में ये कन्वेंशन हॉल यहाँ पे जो खुला है शायद मैं हैदराबाद के अंदर भी ऐसे कन्वेंशन बहुत कम बने हुए हैं और माशाल्लाह मैं मुबारक बात देता हूँ अब्दुल हकीम साहब और अब्दुल रहीम साहब का मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोग सभी का एक यहाँ पे फंक्शनल खुलना आप लोगों के लिए एक बाइज़त नसीब की बात है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और हर चीज़ की मुकम्मल यहाँ पे मैं देखा हूँ कोई चीज़ की कमी नहीं है और आप एक बार अंदर आते हैं तो पूरा शादी करके यहाँ तक के सांचक और क्या है वो जुमाजी भी करके आप निकल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत बहुत दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ
ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.